हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन के जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने आईफोन के ट्रिक्स के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो उनको चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं सिर्फ तीन टिप्स बताऊंगा आपको आज आईफोन के रिलेटेड। तो पहला जो हमारा टिप होगा वो है लॉक स्क्रीन पे जैसे हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। उसके बाद जैसे आपको ऑफ करना है तो इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पर जाएंगे, आपको थोड़ा सा स्वाइप राइट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी फ्लैश जो ऑफ हो जाएगी। आप ऐसे जैसे ऑन करेंगे हल्का सा आपको ऐसे करना है और बस जो आपकी फ्लैश है वो ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट टिप्स है। उससे सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए लॉक स्क्रीन है, इस पे आप जो है कोई भी आपकी लाइव फ़ोटो जो है आपने क्लिक किया अपने फ़ोन से उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक मेरी लाइव फ़ोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको करता हूँ जैसे सेट, तो मैं जैसे इसको लगाता हूँ वॉलपेपर पे, यूजेस वॉलपेपर, और हम इसको अब हमें देख लेना कितना जूम करना है कितना नहीं, सेट करना है लॉक स्क्रीन पे। आपको जैसे ही आप सेट करेंगे आप देख सकते हैं जैसे आपने फ़ोन लॉक किया, उसके बाद जैसे ही आप टैप करेंगे या आपकी जो लाइव फ़ोटो आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगी। आप देख सकते हैं आपको होम स्क्रीन को हल्का सा होल्ड रखना है, आपकी लाइव फ़ोटो जो प्ले होने लगेगी लॉक स्क्रीन पर। तो ये जो हो गया हमारा सेकेंड। अब आते हैं हम लास्ट पे, थर्ड जो हमारा है वो है, हम जैसे बहुत बार क्या होता है हम वीडियो बनाने के लिए, जैसे हमारे एक फ़ोन में मान लीजिए सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है कोई और हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो हम जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो सॉन्ग ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है गाना प्ले होना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना है। पहले आपको कोई भी बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले कर लेना है, अभी मैं प्ले नहीं कर सकता यहाँ पर, तो क्योंकि जो है आपको भी पता है कॉपीराइट वगैरह का इशू होगा, तो इस वजह से आप डायरेक्टली जैसे प्ले करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फोटो वाले पे ही जाना है, इस पे आपको इसको होल्ड करके रखना है और इसको इधर ड्रैग कर देना है, तो आपका जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा और जो आपका वीडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो ऐसी वीडियोस है आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और जो मैंने वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है उनको चेकआउट करना ना भूलें। सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।